नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसका जो है आपका फॉर्म स्टेटस अभी चेक करना है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म को स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है, तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, उसके बाद फ्रेंड्स सर्च बार में आपको सिंपली टाइप करना है ssc.nic.in और आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। देन फ्रेंड्स जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही आपके सामने इसका होम पेज आ जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर फ्रेंड्स होम पेज ढूंढने में आपको कोई परेशानी होती है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसके होम पेज पे आ सकते हैं। या फ्रेंड्स आपको मिल जाता है लॉग इन करने का ऑप्शन, जहाँ सबसे पहले आपको अपना यूजर आई डी डाल देना है, जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय बनाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे मिल जाता है आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन, जो आपके ईमेल आईडी पे आता है। उसके बाद आप रिन्यू करके दूसरा पासवर्ड बनाते हैं, वह पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटर कर देते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे आपका पासवर्ड, और इसके बाद भर देते हैं आपका सिंपली यहाँ पे कैप्चर कोड। कैप्चर कोड फ्रेंड्स यहाँ से भर देना है, जो बॉक्स में आपको नीले बॉक्स में दिखता है वही कैप्चर कोड आपको सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चर कोड फिलअप किया और सीधा लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। अभी फ्रेंड्स हमारे सामने ये वेलकम टू नीरज कुमारी जो आ चुका है, इनका फॉर्म है जिसका स्टेटस आपको यहाँ फ्रेंड्स चेक करना है। स्टेटस चेक करेंगे फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस मिल जाता है, जहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे मिल जाता है, इसके जस्ट फॉर्म के नीचे आ जाता है फ्रेंड्स, ये जो IEX वाला आया है सिलेक्शन पोस्ट, उसके नीचे आपको मिल जाता है SSC GD कांस्टेबल। यहाँ पे मिल जाता है नीचे आपको सिलेक्शन कांस्टेबल GD का, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। यहाँ फ्रेंड्स प्रिंट का ऑप्शन, पेमेंट स्टेटस, नीचे बीचों बीच मिल जाता है आपको एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का जो पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है जो प्रोविजनल एक्सेप्टेड है, उसका फोटो सिग्नेचर है फ्रेंड्स वह भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई किया है वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। जो पेमेंट का स्टेटस था फ्रेंड्स, फीमेल कैंडिडेट होने के नाते इसका फीस नहीं लग रहा है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि प्रोविजनल रूप में पूरी तरह से एक्सेप्टेड है। सो फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीटेड है और एक्सेप्टेड है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप अपने एप्लीकेशन भी सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसका स्टेटस आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।